बम्बे तो मुड़ के आए। सूटेबल फॉर जिमनी। इस स्विच को दबाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट वो रही कि नहीं, इसके लिए हमने 32 मिलियन वाली हथौड़ी मंगाई है। और ये आ गई जी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट। कमेंट में बताना है कि क्या ये रियली प्रैक्टिकल है भी है कि नहीं है। सिर्फ अक्षय तेल लाइट का प्राइस बता दो। नेक्स्ट लेवल मॉड्स कमिंग सून। हेलो एवरीवन, आज सच में गुड मॉर्निंग वाली गुड मॉर्निंग है। बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा तेज। पहले गाड़ी में पहुँचते हैं फिर बताते हैं गुड मॉर्निंग वाली गुड मॉर्निंग क्यों है। टाइम आप देख सकते हो 3 बज के लगभग, मतलब 4 बज चुके हैं सुबह सुबह। आज मैं कहाँ जा रहा हूँ? श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। भाई बारिश तो बहुत ही तेज हो रही है और आगे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। सुबह से निकले हैं और अभी इतना टाइम हो चुका है, तो कहाँ था मैं दिन भर, चलो उस बात को छोड़ो। लेकिन आज के मुद्दे पे आते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको जैसा कि बता दिया था कि भाई हमारी जो जिमनी है इसका सामान आ चुका है, इस पे मॉडिफिकेशन जो है वो शुरू करनी है। देखते हैं, फिलहाल मुझे भी आइडिया नहीं है क्लियर क्या क्या है, लेकिन जो भी है वो है इंटरेस्टिंग एकदम। सीधा पहुंचते हैं लोकेशन पे। और अपने बंदे किधर है? आगे थे एक पुलिस वाले अंकल, तो वो कह रहे हैं यार गाड़ी बहुत बढ़िया है, एक चक्कर मार के आए। मैंने कहा मारो जी मारो। और राजकुमार ठीक है? और यहाँ देख सकते हो आप, इसको देखा है कहीं? हाँ भाई ठीक है, मैं जा खड़ा क्यों हो गया। और आप भी ठीक हो सर? कहाँ थे सुबह से? बस यार ऐसे पानी पी लो, थैंक यू। तो चलिए जिमनी हमारी किधर गई अभी? ठीक है तुमने ओ यार मजा के माय मैनो सही मजा आया रे। मैं दे बॉम्बे तो मुड़ के आए। हेलो गाइस, सबने हेलो करना होता है ठीक है। ये क्या है? और भैया आप भी ठीक हो? भैया को आज पहली बार वीडियो में ले रहे हैं हम। ये क्या है संजय भैया? जिमनी का? भादर भैया हाथ में क्या है आपके? तो चलिए गाइस, मेरे वाला सामान कहाँ है जिमनी का? आ गया सारा, करें उसको अनबॉक्स, निकालो बाहर। तो गाइस क्या है कि हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो अभी फटाफट से करेंगे काम। सुबह बारिश इतनी थी और दिन में मैं कहीं गया हुआ था, और अभी जो पुलिस वाले अंकल आए थे ना, मतलब यार देखो कितना अच्छा लगता है। उन्होंने कहा गाड़ी एकदम मस्त है, बाकी मैंने थोड़ा बहुत सा रिकॉर्ड भी किया, फेस तो नहीं लाऊंगा मैं, बट उनकी बातें आपको जरूर सुनाऊंगा। ठीक है शुरू करते हैं इस पे काम। जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा था कि ना अब इस गाड़ी पे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमने करनी है। शीशे चढ़ा लेंगे, शीशे चढ़ा देते हैं। ये गाड़ी कितनी आई कैचिंग होगी जो स्पेशली वो आगे, और उनका चश्मा यहाँ रह गया, मैं चश्मा देख रहा था, उनको चश्मा दे आते हैं। फिलहाल क्या है कि सामान जो है वो निकल चुका है, तो यहाँ से आप देख के इसको पढ़ सकते हो कि ये क्या चीज है। उल्टा लिखा हुआ है पर सीधा कर देंगे। ये आपके लिए सरप्राइज है संजय भाई। इसमें क्या सूटेबल फॉर जिमनी, इतना आप पढ़ सकते हो ठीक है। सब पे सूटेबल फॉर जिमनी लिखा है। ये अंदर भैया हैं, तो आप देख सकते हो जैसे बड़ा भाई हो उसका एक फर्ज हो। अभी बड़े भाई जो हमेशा गेम में बिजी रहे, तो वो छोटे भाई को क्या समझाएंगे? चलो कहाँ जा रहे हो? नहीं कुछ क्या बाहर चलना है? नहीं आप हर टाइम गेमिंग खेलते रहते हो, आप मुझे कैसे रोकोगे कि तू फोन का इस्तेमाल कम कर। चलो आओ फिर बाहर आ जाओ और सामान अनबॉक्सिंग करें। यहाँ आप देख सकते हैं, आप क्यों लेट आ रहे हो? मैं तो लेट आया, आप क्यों लेट आया? मैं तो कहीं गया हुआ था। अच्छा चलो कोई मसला नहीं, मैं भी कहीं गया हुआ था। वो थोड़ी बता रहा होता है। चलो मैं कह रहा था ये खुद ही नहीं गेम छोड़ते हैं, मेरे को क्या बताएंगे। आओ फिर सामान आज अनबॉक्स करें, लेट हो गए काफी। वो जो 4 डिब्बे वो भी करने हैं क्या? वो भी करेंगे, पहले वो करेंगे, पहले वो करेंगे। आ जाओ। मोहित से मिले आप? नहीं लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा दिखावे के लिए इसको अनबॉक्स कर देते हैं। इसमें क्या है? तो क्या है कि स्टेपनी कवर आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो है ना, क्योंकि आपको पता है हम करते हैं हमेशा हर एक काम बेसिक मॉडिफिकेशन के साथ स्टार्ट, ठीक है? पता है आपको इस बात का? आप पीछे को खड़े हो, आप व्लॉगिंग पार्टनर हो मेरे। आ जाओ, लग जाएगा सीधे सीधे नहीं। तो अभी आप मुझे बताना देख के ये कैसा लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये इस टाइप पे फिट हो ही जाएगा। हाँ जी परेशान लग रहा है? सबकी ड्रिल चल रही है, ड्रिल मोड़ तो नहीं हो रहे? लोग कह रहे हैं आपके भैया तो बड़े जॉली हैं। मीट बी इन पर्सन। मीट बी इन पर्सन, वो आपके अरिजीत के गानों की बनकर आई थी। अच्छा हाँ जी वही सुनेंगे। अरिजीत के गानों की कल लगा हुआ था ना गाना? अरिजीत नहीं पुराने, पुराना था गजल जगजीत। आज क्या लेकर आयो? आज बाइक ही है यार। फाइनली हमारी बाइक ने आज दूसरी बार मिनी मार्केट देखा है।
एक्चुअली फोन किया तूने मेरे को तो मैं था लेटा हुआ तो ये ऐसे में उठाया है चले चले मैं ठीक है फोन आया तरुण के मेरिन मार्केट में से हम पहुंच गए इधर गांव तो भाई साहब को फोन किया तो कहते हैं अभी हम बड़ी ब्राह्मण है एक घंटे का अभी सफर था देखो एक घंटा और वो एक घंटा में पबजी खेली देखो ना बिल्कुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम 45 मिनट एक राउंड 45 मिनट्स का होता है अगर 45 पूरे खेला तो ये देख सकते हैं आप टाइम को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते इसी तरह यूटिलाइज करना तो बाकी सब मूव माया ऐसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को तो चलिए बढ़िया लग रहा है लग तो गया काफी बढ़िया अच्छा लग रहा है इसमें मतलब ये है कि इनकेस अगर हम अपने टायर अपग्रेड कर देते हैं ना तो हमें पीछे वाला पांचवा टायर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये वाला भी सूट कर जाएगा अगर उस पर डिक्की कवर लगा होगा तो फिलहाल के लिए तो ये अच्छा लग रहा है बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा विक्रम भैया कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है दिल रखने की तो नहीं बोल नहीं अगर ये जैसे क्रोम होता ना क्रोम आता भी तो है ना वो दूसरे वाला ना सिर्फ इसके स्टॉक टायर पे फिट होता है ये क्या है कि ये बड़े टायर पे फिट हो जाएगा ना ये इसका प्लस है हां इस पे स्पेस है ठीक है बहुत बढ़िया लगा ठीक है गाइस विक्रम भैया ने पास कर दिया तो मतलब अच्छा इधर इधर आपका नाम आ जाएगा स्मार्ट फोन कोई मैं पूरी गाड़ी में लिखा रहा हूं बड़ा बड़ा तेल डिजाइन कैसा लगा मिनी कूपर मिनी कूपर ये तब नहीं था ना विक्रम भैया अभी निकल ही रहे थे लेकिन एक खास चीज मैंने देखी इनकी गाड़ी में ये आपने पूरा पैनल चेंज किया है वुडन में क्या किया है नहीं हाइड्रो डिप कराया अच्छा ये हाइड्रो डिप है और आप देख सकते हो फिनिश कितनी प्रॉपर है क्या क्या करवा ये हो गया अच्छा स्टीरियो का हो गया स्पीकर्स का हो गया और बढ़िया लग रहा है हां सीट कवर भी उधर से ही मैंने करवाए हैं अच्छा स्टडीज वगैरह के सीट कवर डालते हैं ना हां पर ये वाली चीज बढ़िया लगी मतलब ये क्या है कि जैसे ना आप गाड़ी में एंटर करो ना बेसिक चीज है लेकिन लुक्स में एकदम अलग लग रही है विक्रम भैया ने अपनी गाड़ी में करवाई है सबसे प्रैक्टिकल चीज में जो थार को बोलू ना और वो क्या चीज है कहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है नीचे और वैसे ये दबता नहीं है सीट बेल्ट हाँ और जैसे हम अगर इस स्विच को दबाएंगे ठीक है यहाँ देखो बाहर क्या हुआ है विक्रम भैया दो ये है मजेदार चीज मतलब थार में सबसे अनोइंग चीज यही रहती है जा तो आप दो चाबियां रख लो या फिर एसी बंद करके बैठो वो बड़ा गंदा लगता है चाबी देना किसी को गाड़ी बंद करके पर इसमें खर्चा कितना है 2200 रुपए लगा ठीक है ओके थैंक यू बट ये चीज मुझे सबसे ज्यादा सही लगी और यहाँ से आप देख रहे हो इसका वो भी बंद कर दिया हुआ है तो हम अपनी जिमनी पे आ रहे थे स्टेपनी की एक और प्लस चीज ये है कि जैसे ये किसी भी टायर साइज पे मतलब अगर आपका टायर साइज बड़ा होगा अक्षय भैया मुझे स्टेपनी कवर की एक खास चीज लग रही है कि ये बड़े टायर साइज पे ही फिट होगा हो सकता है और जैसे इसका भी डायमीटर थोड़ा है अभी हमारा टायर स्टॉक है लेकिन अगर किसी का बड़ा टायर होगा तो आई थिंक फिट हो जाएगा है ना और इसका एक प्लस मैंने और बताया इनकेस हम अपने टायर अपग्रेड करें हमें पिछला टायर डालने की जरूरत नहीं है नहीं हम इससे भी कवर कर सकते हैं चलो जी तो ये आ गई हमारी पहली चीज बिल्कुल नेक्स्ट वो रही खोल दी नहीं इसके लिए हमने 32 मिलियन वाली हथौड़ी मंगाई है 32 मिलियन वाली हथौड़ी लेकिन उसके लिए हमें एक और फोन चाहिए गाइस तो चलो कोई नहीं करते हैं 32 मिलियन समझे ना 32 मिलियन इंस्टाग्राम वो मेरी बात सुनो 90,000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ हमारे गिव अवे का क्या होगा जो भी फेस्टिवल आएगा उसमें हम दे देंगे तो गाइस 90,000 सब्सक्राइबर आपको बोला था फॉलोअर बोला था लेकिन आपने फॉलो किया नहीं तो चलो कोई चक्कर नहीं है तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स चलो थोड़ी मार दी एक बार में खुला नहीं फिर मैंने कहा संजय आप ही फोटो ठीक है ये बिहाइंड द सीन्स भी होते हैं आज मैं कुछ ज्यादा ही जोश में नहीं लग रहा हूँ एनर्जी इनकी एनर्जी कहाँ है सुबह से क्या हुआ था क्या बताया वो बाहर आ चुकी है पर मुझे एक चीज बताओ क्या ये लगाने के बाद हमें बल्बों की जरूरत नहीं पड़ेगी हेडलाइट्स की पड़ेगी फाइनली आ चुकी है हमारी ग्रिल विद एलईडी बार ये किसने देखी है नहीं गाइस अगर देखी होगी तो बस आपने कमेंट कर देना उस लिंक के साथ जहाँ पे आपने ये देखी है बाकी मुझे लग रहा है कि ये किसने नहीं देखी कैसी है ठीक है समझ गया ठीक है अभी जब इसका फाइनल लुक है वो लगने के बाद ही आपको दिखेगा पहली ग्रिल लगाया हफ्ता हो गया पहली ग्रिल लगाए ना
इधर तरुण तीसरे दिन ऐसे चेंज करता है गाड़ियां, तो दिल्ली भी चेंज हो रही है लगता है, एक टिफिन भर के और देना पड़ेगा अभी। तो चलो कोई नहीं, इसे करते हैं फिट। और इसका ये जो एडजस्टमेंट है ये हमें साथ में मिल रही है, ये आ गई जी हमारी एडजस्टमेंट साथ में। और ये क्योंकि ये लाइट वाली है ना, तो ये सारा का सारा सिस्टम है। बट ये मेरे को लगता है अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा गाइस, मज़ा आएगा। ये आ गई हमारी ग्रिल, ठीक है इसको रख देंगे यहाँ पे। अब आ गया हमारा फाइनल पार्सल जो कि है वहाँ पे, ये भी है सुनो, ये तो बोल सकते हो। अच्छा ये किसका है? ये भी जिम्मी का ही है। ये आज ही खोलना, खोलो ना गाइस। ये तो टोटल कितनी हो गई? दो हो गई, दो और रहती हैं। पहले कौन सी खोला है? पहले ये, ये ले आओ जी कटर। चलो ये तो ग्रिल ही है, ये डिफरेंट है। अच्छा जो हमने पहले भी देखी हुई है वो है। ओके मतलब हमारे वाली जो है वो लाइट वाली है, ये यही पैटर्न है ना? यही पैटर्न, खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं है, है ना? हाँ। क्योंकि ये देखो ये सिंपल वाली है, जैसे सुजुकी वाली। हाँ सुजुकी वाली ग्रिल है, तो अगर किसी को चाहिए तो वो ये भी ले सकता है। बाकी अनबॉक्सिंग से अनबॉक्सिंग इजहार। और ये आ गई जी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यूनिक चीज। और जैसा कि मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि जिस तरह की मॉडिफिकेशन हमने थार में करी हुई है, हमारी कोशिश है कि हम उस तरह की मॉडिफिकेशन जिम्नी में पहले ना करें। जो चीजें कुछ डिफरेंट है, प्रैक्टिकली वो यूज आएंगी नहीं आएंगी, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएं। तो उसमें ये जो चीज़ है ये हमारी पहली वैसी प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड चीज़ है। अब आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये रियली प्रैक्टिकल है भी है कि नहीं है। इस चीज़ की अनबॉक्सिंग करवाएंगे हम। ओ अच्छा क्या है इसमें? खड़े रह के कॉन्ट्रीब्यूशन देने से कुछ नहीं है। चलो खोलो। क्या पे अनबॉक्सिंग करते कोई? हम लोग हाइट पे कम है ना, इसलिए हमें ऊपर चलने के लिए जरूरत है। ये लैडर है? लैडर। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी जिमनी की लैडर। मतलब बड़ा मन था, मतलब जब मैं छोटा था ना तो उस टाइम कहीं ना सुमो वगैरह के पीछे ऐसे लैडर लगी हुई होती थी, तो मेरा ही मन था कि हमारे पास भी कभी ऐसी गाड़ी हो जिसके पीछे ना लैडर लगी हो। एंड फाइनली आप देख सकते हो लैडर आ चुकी है। गाड़ी हमारे पास लैडर वाली नहीं थी, लैडर हम उसमें लगा रहे हैं। क्या बोलते हो आएगा मजा? अभी लगा के देखते हैं किस साइड से लगेगी गाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ड्रिल करनी पड़ेगी गाइस जी? यहाँ पे लगनी तो है, लेकिन क्या ये ड्रिल होने वाली है? ये लगेगी कैसे बताओ जी? ये लगेगी कैसे? ये नीचे वाले आई थिंक वो खुलेंगे। हिंज खुलना पड़ेगा? हिंज तो खुलेगा गाइस, ये एक चीज लगाने के लिए दूसरी खोलनी पड़ती है। वैसे हमने हिंज भी ऊपर चढ़ने के लिए बनाया लगाया था। एक मिनट पहले हिंज पे चढ़ने दो, मैं एक बार भी नहीं चढ़ा। वैसे हमने हिंज भी जो है ऊपर चढ़ने के लिए लगाया था, बट लेकिन ये थोड़ा सा ना वो बंदा एक्टिव चाहिए। मेरी बात है सबसे, हम लोगों को दिखाएंगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? और खुद को ही मजा आना चाहिए। बचपन का ख्वाब है कि वो सुमो के पीछे लैडर लगी होती थी, तो वो हमने जिमनी के सिस्टम ये रखे। अभी हमें संजय भैया बताएंगे ब्रैकेट है इसमें। आप एक चीज देख सकते हो, सारी की सारी ये जो एक्सेसरी अभी हमें आ रही है सारी इम्पोर्टेड है। नाम पढ़ के ये आपको पता चल रहा है, ठीक है ना? ये इंडिया नहीं है, मतलब इंडिया में मिल जाती है हमें। फिलहाल हमारी एक लैडर आ भी चुकी है, अब हमें देखते हैं। पहले ये हमने उस लैडर के आने से पहले ही मंगवा ली थी, तो अभी देखते हैं कि वो वाली हम फिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि इस बार हमें हर एक चीज के लिए भैया स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ सही बात है, अकाउंट में काट के दूंगी, चेक में नहीं, चेक ही चलेगा। आपको दिखाते हैं ये कुछ माउंट्स है हमारे पास। फिर भी कहाँ लगेगा ये? डोर हिंज खुलेगा? नहीं खुलेगा। बट एक चीज है ना, अगर हमने लैडर के इसको नीचे लगा दिया पर इसका पर्पस नहीं रह जाएगा। ये लगाओगे फिर इसको उतारना पड़ेगा, फिर इसको उतार दे, ये उतारना ही पड़ेगा क्योंकि लैडर लगानी है, फिर ये तो उतारना पड़ेगा। पर्पस ही नहीं, क्योंकि बेसिकली डोर हिंज जो है ये ऊपर चढ़ने के लिए ही बना होता है, ठीक है? ये ऐसे स्टेप रख के आप इसके ऊपर जा सकते हो। तो चलिए गाइज अभी जो लैडर है वो हम इंस्टॉल करने लगे हैं, और ग्रिल हम करेंगे थोड़ी देर बाद, जस्ट बिकॉज कि अंधेरा हो जाएगा ना, हाँ लुक्स भी समझ आएगी और अच्छी लगेगी। मतलब क्या है ये ना क्लियरली स्टैंड आउट, जैसे ये वाली जो है इसका सुजुकी उतना विजिबल नहीं हो पाता, इस पे हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे बनती है बात। ये सुजुकी भी ऐसे पहले थे, ये अगर ये क्रोम में होती ना थोड़ा विजिबल हो जाता है, ऐसे बीच में दिखता नहीं है, लेकिन वो चीज अच्छी है।
तो अभी दो माउंटिंग्स जो हैं वो लैडर की लग चुकी हैं, एक यहाँ पे देख रहे हो, ये दो सामने वाली आ गई और एक ये, टोटल तीन माउंटिंग आती है और ये जो है डोर पे ही फिट बैठेगी। चलिए गाइस अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से फिट होगी हमारी लैडर। मतलब जिमनी का ना ये चीज बड़ी प्लस है कि हर एक चीज बड़ी बोल्ट ऑन सी आती है, क्योंकि ग्लोबल मॉडल है, इंडिया में अभी आई है पर बाहर बहुत देर से है। तो अभी देखते हैं प्रॉपर इसकी फिटमेंट। अच्छा यार लग रहा है मेरे को वो करना पड़ेगा, ये देखो ना इसी के हिसाब से बना है, हाँ पूरा इसके हिसाब से बनी हुई है, देखो कैसे एडजस्टमेंट बैठती जा रही है, लेकिन हमें अपना डोर हिंज जो है वो खोलना पड़ेगा। चलिए जी अभी करेंगे इंस्टॉल, पहले इसको रिमूव करेंगे। तो फिलहाल हमारा डोर हिंज तो जो है वो खुल रहा है, लेकिन सामने आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक्चुअली कल, वैसे तो सबको पता ही होगा कश्मीर में तीन जवान जो है, एक कर्नल थे, एक मेजर थे और एक वहाँ के डीएसपी थे, उसके लिए एक जो है श्रद्धांजलि समारोह यहाँ पे रखा गया, तो अभी हम भी शामिल होंगे उसमें। इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता है, बस जिसके घर का कोई जाएगा तो वो वही जानता है कि क्या होता है किसी अपने को खोने का दर्द। अभी क्या है कि हमारे जो जे वाले ये हैं ये भी लग जाएंगे वापस, क्योंकि अभी डोर हिंज जो है वो उतर गया है, तो चलो कोई मसला नहीं है। ये है संजय, ये क्या है, पहले हम खोलते हैं फिर हम लगाते हैं। मार्किंग के लिए देता है कवर के लिए ताकि वाइट दिखे ना, तो चलो लगा देते हैं इसको वापस। ओ जी ये आ गई हमारी, हाँ ठीक हो, तो ये आगे जी हमारी लैडर, ये यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाएगी। इसमें देखियो इसमें कुछ है, इसमें दिया हुआ रबर टाइप है ना, बिना रबर के तो दिक्कत है, वो पेंट उतार देगा है ना, नहीं तो इसमें अपना रबर डाल ले, ऐसे पेंट नहीं उतार देगा ये, अगर खुरे देगा कहीं डाल सकते है ना रबर, है ना रबर डाल देते हैं, रबर डाल देते हैं भाई, नई गाड़ी है ना भले, हाँ लैडर लैडर तो अच्छी लगेगी, रबड़ का जुगाड़ इंतजाम करने गए हैं, तो इतनी देर तक हम अपनी ग्रिल इंस्टॉल करते हैं। अक्ष भैया ये इम्पोर्टेड ग्रिल है, ये भी इम्पोर्टेड है, यस ये इम्पोर्टेड। इस बार हम किसी भी चीज का प्राइस नहीं बता रहे हैं। तो गाइस मैंने जैसे आपको बताया था ना, शायद मैंने टाइटल थंबनेल में भी लिखा था कि जिमनी की टेल लाइट का प्राइस, तो चलो बाकी चीजों का तो रहने दो, सिर्फ अक्षय टेल लाइट का प्राइस बता दो। टेल लाइट का प्राइस 16,000 तो ये चीज है, 500 है, हाँ तो ये है, बाकी इम्पोर्टेड, ये इम्पोर्टेड वाली है, ये सब इम्पोर्टेड है, सब बाहर से आ रहे हैं। हाँ बेसिकली जिमनी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई है, उस वजह से जो भी आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट का ये भी सामान आ रहा है फिलहाल। तो चलो कोई नहीं, बाकी ये जो जितना इंस्टॉलेशन है इसका सारा हो जाता है, फिर आपको इसका भी प्राइस बता देते हैं। मतलब प्राइस बताने का मेन ये रहता है कि अगर किसी को इंस्टॉल करवानी है तो वो एक चीज। ये आ गई हमारी पुरानी ग्रिल, नहीं फिर पुरानी ग्रिल का क्या, पुरानी ग्रिल 50%, कभी कभार तो मेरे रोने भी छूट जाते हैं। गाइस आई नीड मच एंड मोर स्पॉन्सर्स, अगर आपको मॉडिफिकेशन दिखानी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो ऊपर नहीं मतलब हाई लेके जाना पड़ेगा, मतलब आपको ग्रोथ को ऊपर ले जाना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी बेसिक चीजें हैं, एक्सपेंसिव हैं बट ये उतनी नहीं है, क्योंकि मेजरली जो मेरा खर्चा होने वाला है वो होने वाला है टायर अलॉयज एंड लिफ्ट किट पे। तो बस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई की मेहनत देखते भी हो, पसंद करते भी हो, तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, कोई दिक्कत नहीं होगी, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों वोस्तों के साथ। बाकी अभी इसके लॉक वॉक खोल के फिर इसको इंस्टॉल करेंगे उस वाली को। रबर का पीस भी आ गया है, ठीक है इसको हम लैडर के बीच लगा लेंगे ताकि हमारी गाड़ी का पेंट खराब नहीं हो और लैडर की ग्रिप अच्छी बन जाए। अरे भैया थार से इसकी ग्रिल ईजी है ना, पूरा बम्पर खोलना पड़ता था और हेडलाइट वगैरह सब कुछ, बट इसमें काफी इजीली खुल जाता है, फिर बाहर बाहर के लॉक्स में खोलने होते हैं एंड इंस्टॉलेशन हो जाती है डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक लाइट का एक कपलर दिया हुआ है। संजय भैया जो इसके साथ वायरिंग मिली है उसमें इतने आगे मुंह होंगे है ना, देख रहे हो आप, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर एक इंडिविजुअली अपने अपने निकली हुई है। कितनी है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइट्स है बीच में। पर गाइस इसमें क्या है, पिछली वाली ग्रिल में संजीव भैया ये नहीं लग रहा था ना, उसमें इसकी जगह नहीं दी हुई थी इस वाले उसकी, लेकिन इस वाले में जो है दी हुई है, साथ में है ना ये। तो गाइस ये आ गई पूरी इसकी वायर, लॉक पे लॉक बैठेगा। फाइनली हो चुकी है हमारी ग्रिल फिट, अब आया ना मजा। मतलब ये वाली क्या है कि देखने में ही अलग सी लग रही है, और बाकी जब इसमें लाइट जलेगी तो तब तो ये मतलब एकदम शूशां ग्रिल हो जाएगी हमारी। चलो कोई नहीं अभी लैडर भी फिट करनी है, तो गाइस चलिए अभी होने वाली है लाइट की। ओह ये तो कुछ बड़ा खतरनाक डिजाइन है, ये तो हमें पता ही था। अच्छा काफी ब्राइट भी है, ब्राइट बहुत है, यहीं से देखने में कितनी ब्राइट लग रही है। फाइनली ग्रिल जो है वो फिट हो चुकी है एंड कुछ इस तरह का आ रहा है हमारा लुक, लुकिंग गुड। अभी इससे क्या है कि चाबी पे रख देंगे, जैसे चाबी जैसे ही ऑन की तो लाइट हमारी जो है वो ऑन हो जाएगी। समझ गया क्या सिस्टम है, सिस्टम कुछ नहीं है सर, सिस्टम सिस्टम
कि सिस्टम बिठाया जा रहा है कि जैसे ही हम चाबी ऑन करें तो हमारी ये लाइट जो है एज अ DNL काम करे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या है कि अगर हम अपनी जो हेडलाइट्स हैं उनको ऑन करें तब ये जले, या फिर हम अपना जब इग्निशन ही ऑन करते हैं तो ये जले। बट मेरे को लग रहा है इग्निशन वाला सही रहेगा ना, इग्निशन ठीक रहेगा, गाड़ी स्टार्ट करते ही लाइट जलती रहे दिन भर ना। DNL बिकॉज हमारी जो ये वाली है ये तो स्टॉक है ना, अगर इसमें प्रोजेक्टर होती तो वो दिन में भी जलती, तो इसलिए इसको हम एज अ DNL यूज़ करेंगे। जो है ग्रिल लग चुकी है, चलिए गाइस अभी ये तो फिट हो रही है, बट क्या है कि पीछे वो भजन की अनाउंसमेंट हो रही है जगराते की, तो उससे क्या है कि भजन चलता है तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए इसे फिट हो लेने देते हैं और फिर प्रॉपरली पूरा बाद में दिखाते हैं जो भी करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी लैडर जो है वो फिट हो चुकी है, अभी इस पर थोड़ा सा चढ़ के बताएंगे आपको कैसे इस पर चढ़ेंगे हम और क्या ये हमारा वेट ले सकती है, बाकी थंबनेल तो सुबह ही निकलेगा। क्या हाल चाल है, कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कुछ कहता हूँ। अच्छा पक्का? पक्का यार। ये इसकी लाइटें अपने आप बंद कैसे हो जाती हैं? ऑटोमेटिक लाइट होती है इसमें? यस सर। अच्छा बड़ी गाड़ी में ऑटोमेटिक? सर ये जिमनी बेस मॉडल वालों को क्या पता है। ग्रिल कैसी लगी है बताओ? नाइस सर। नाइस ये लाइट वाली है। और क्या? वेरी नाइस ब्रो। अभी लाइट इसकी जलती कैसे, रुको ना एक मिनट। वो ये सही है? सही है ना? ये ओ वेरी नाइस। हां बस अच्छा वो बंद भी होगी? नहीं नहीं अभी। अच्छा ओके, ऐसे थोड़ी है, दो तीन पैटर्न है इसमें तो चलते हुए अगर ये करती रही। अच्छा ये सब ब्लिंक करती रहेगी? बस एक बार ही हो गया ना, अब जब मैं स्टार्ट करके चलूंगा तो फिर कंटिन्यूअसली एक भी उस पे करेगी। अच्छा ऐसा ही नहीं कि ब्लिंकर ऑप्शन हो? नहीं बस इसमें इतने ऑप्शन ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा मांगता है। ठीक है ऐसे अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस फाइनली लैडर जो है फिट हो चुकी है, तो टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए हैवी आदमी। हां चलो अभी मैं ही हूं। ये तो यहां से आप देख सकते हैं कि भाई पूरी कैपेबल लैडर है, और ताकि आप सामान कुछ भी। हां जी फुल फन। चलो जी तो ये देख सकते हो आप, वेट मतलब ले सकती है पूरे का पूरा, कोई इशू नहीं है इस लाइडर में, और बाकी लुक्स में तो अच्छी लगी रही है। बाकी आप कमेंट में बता देना कि कैसी लग रही है और कैसा लगा आपको हमारा ये मॉड कैरियर, ये और ग्रिल। कैरियर का भी डिसाइड नहीं करा है, ये तो मतलब टेस्टिंग के लिए हमने लगाया हुआ था, देखेंगे अगर रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो टायर चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज मेरा भी अलॉय शलॉय का ही प्लान है ना, अगर 5 अलॉय मैंने ले ली, मैंने आपको जनरली बताया था, बट अगर 5 अलॉय लिए तो फिर क्या करेंगे इसको लगा के। तो चलो इसका भी कच्चा पक्का ही चल रहा है। सो लैडर की हमने एक बारी टेस्टिंग तो कर ली थी, लेकिन हमारे पास जब भी क्या बोले हल्क तो विवेक भी आ चढ़ के बताएंगे। विवेक क्या चढ़ो हो? ये अब पास है, अब पास। विवेक भैया पाँव में लगी तो नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, है? नहीं पलटा, नहीं नहीं ऐसा करना नहीं, ऐसा करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। बड़ा दिल है जिम्मी के साथ करने। अभी मेरी सस्पेंशन आन दो आप, फिर पलटाऊंगा, फिर आपको लगेगा पता। सस्पेंशन कौन सी डाल रहा है वो थोड़ी बताना है अभी। सो गाइस फाइनली जो है जिमनी की लुक जो है कंप्लीट हो चुकी है, बाकी आपने देख ली लैडर के साथ कैसा लुक आ रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है हमेशा की तरह, और बाकी आगे की लाइट का भी देख लिया आपने जो भी है, बढ़िया सी ग्रिल। चलिए ठीक है इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन, अभी नहीं खत्म हो रहा। ठीक है अक्षय भैया मिलते हैं कल सुबह। बिल्कुल नेक्स्ट मॉड्स ऑन द वे, खतरनाक वाले, मतलब ये जो है ये अभी है दिखने वाले, नेक्स्ट लेवल मॉड्स कमिंग सून, परफॉर्मेंस मॉड कमिंग सून, कमिंग सून, ठीक है सुपर सून। फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे वापस, और आज के दिन में आपने देखा कि हमने क्या किया, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी यहाँ से है कुछ फाइनल लुक, मतलब कि यार DRL तो इतनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, मतलब नहीं बहुत ज़्यादा। तो बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड बाकी चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।